हम बनाने जा रहे हैं फिडे, जो कि टर्किश पिज्जा है। इसे हम तीन तरह की वेजिटेरियन टॉपिंग के साथ बना रहे हैं। आप इसे चाहें तो और भी वेरिएशन ला सकते हैं। ये बहुत चीजी और टेस्टी है, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। आप इसे जरूर से ट्राई करें और मुझे अपने कमेंट जरूर शेयर करना ना भूलें। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे जरूर से लाइक और शेयर करिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आप जरूर से सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम यहाँ पर यीस्ट को एक्टिव करते हैं। इसके लिए मैंने हाफ कप वार्म वाटर लिया है। इसको मैं एक बाउल में डाल रही हूँ। इसी में मैं 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर यूज कर रही हूँ। इसे आप तब तक हिलाएं तब तक कि ये पूरी डिजॉल्व ना हो जाए। यहाँ पर मैंने यीस्ट लिया है, यह इंस्टेंट यीस्ट है, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। अभी इसी में मैं ये 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर यीस्ट लिया है, इसको एक्टिव करने के लिए रख देंगे। बस इसको जस्ट एक बार हिलाइए और एक तरफ रख दीजिए 5 से 10 मिनट के लिए। हमारा यीस्ट बिल्कुल एक्टिव हो गया है। आप देखेंगे इसके अंदर बहुत अच्छे से बुलबुले आ गए हैं। अगर बुलबुले नहीं आते हैं तो आप उसको बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि उससे पिज्जा अच्छा नहीं बनेगा। मैंने यहाँ पर 3 कप मैदा लिया है, 6 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 3 टेबल स्पून बटर जिसको मैंने मेल्ट करके लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं, एंड 1 टीस्पून सॉल्ट। मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, इसको आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसी में सॉल्ट भी, पहले आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसी में मेल्टेड बटर ऐड करना है। जो ये हमारा यीस्ट एक्टिव हो चुका है उसको भी इसी में अच्छे से मिक्स करके और पानी की सहायता से पूरा एक अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इसमें करीब 1/2 कप जितना वाटर लग जाएगा। आप पानी को धीरे 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 ऐड करिए और हाथ की सहायता से अच्छे से एक सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए। हमारा डो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। अभी हम इसमें 1 से 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल यूज करेंगे और उसकी सहायता से इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से नीट करेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपके पेड़े बहुत अच्छे से तैयार हो पाएंगे। अगर आपका बहुत गीला हो जाता है डो तो आप 2 से 3 टीस्पून मैदा भी ऐड कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि पानी आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही यूज करें ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। मैंने 5 से 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से नीट कर लिया था। अब ये बिल्कुल आटा एकदम एक साथ नजर आ रहा है, आप देखिए ये कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसे 1 से 2 घंटे के लिए कवर करके रख दूंगी, ये हमारा फूल कर डबल साइज में हो जाएगा। पेड़े की टॉपिंग के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 1 टीस्पून ऑयल गरम करने के लिए रखा है। इसी में मैं बॉइल्ड कॉर्न यूज कर रही हूँ। जरा सी क्रस्ट ग्रीन चिली, 100 ग्राम पालक मैंने वॉश करके अच्छे से कट कर लिया था, और इसी में 1 चुटकी सॉल्ट। अभी इसको हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए जस्ट मिक्स करना है और इसका पानी सुखाना है, हमें इसे पकाना नहीं है। आप देखेंगे 1 मिनट में आपकी ये फिलिंग तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये हाई फ्लेम पे मिक्स हो रहा है। आप देखेंगे कि इसके पानी को सुखाने के लिए मैंने सारा स्पिनिच साइड में कर दिया है ताकि सेंटर में वाटर आ जाए और ये जल्दी से ही सूख जाए। व्हाइट टॉपिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून बटर मेल्ट करने के लिए रखा है। उसी में मैं 2 टेबल स्पून मैदा यूज कर रही हूँ। इसको 1 मिनट के लिए मिक्स करें और 1/2 कप मिल्क यूज किया है वो इसमें मैं ऐड करके, और इसको पूरा अच्छे से मिक्स करें ताकि ये
लम्स बिल्कुल भी ना रहे। अब देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है, तो इसलिए पहले आप बहुत मीडियम फ्लेम पर रखिए। इसमें मैं हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ एंड हाफ टी स्पून वाइट पेपर है, ये करीब 7 to 8 वाइट पेपर है जिसको मैंने पाउडर बना दिया था। अभी आप इसे कंटिन्यूस हिलाते रहिए जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। आप देखेंगे ये गाढ़ा होने लग गया है। मैंने यहाँ पे कुछ मशरूम को स्लाइस करके रखा था वो ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो येलो पीनो या ऑलिव्स भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे अब हमें फ्लेम हाई पे रखना है क्योंकि मशरूम में वाटर होता है, तो इसे जल्दी से ही पानी को सुखाने के लिए हमें हाई फ्लेम पे कंटिन्यूस हिलाना है। 1 से 2 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। हमारी तीसरी टॉपिंग भी बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने रेड कैप्सिकम एंड स्प्रिंग ओनियन को हल्का सा सॉटे करके और उसको सेजवान सॉस एंड पिज्जा पास्ता सॉस में मिक्स कर दिया। अभी हमारी तीनों टॉपिंग्स बनकर तैयार हो चुकी है। अभी हम आटा को देखते हैं। हमारा डो जस्ट डबल हो चुका है। इस आटे को आप एक लोग की तरह बना के इसके छोटे छोटे पीसेस कर दीजिए। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैदा फैला लिया है और उसी की हेल्प से हम इसे ओवल शेप में एक रोलिंग पिन की हेल्प से बेल लेंगे। ध्यान रखें आप जब इसे बेलें तो आप अपनी ट्रे का साइज देख लें कि ये उसमें इजीली आ सके। हमें इसे एक बोट की शेप में बनाना है। अभी इसकी एजेस पे मैं पानी लगा रही हूँ ताकि हम बहुत इजीली इसे फोल्ड कर लें। अभी इसे आप अच्छे से फोल्ड कर लीजिए और इसे एक बोट का शेप दे दीजिए। ये देखिए ये बनकर रेडी हो चुका है। बस ऐसे ही आपको सारे बनाकर तैयार कर देने हैं। आप देखिए हमारे ये दो हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम पहले इसमें चीज डाल देते हैं। ये मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज यूज की है। आप अपनी चॉइस से कोई भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसमें स्पिनिच की टॉपिंग जो हमने तैयार की थी वो ऐड कर रही हूँ। अभी हम इसमें पिज्जा पास्ता की जो हमने टॉपिंग तैयार की थी वो फैला रहे हैं। अभी इसी के ऊपर मैंने टोमेटो के कुछ पीसेस कट करके रखे थे वो रख दिए हैं। अभी इस पर भी मैंने चीज फैला दी है। इसके ऊपर भी हम ये व्हाइट टॉपिंग फैला रहे हैं। अब देखिए ये अच्छे से फैल चुकी है। अब हम इसके ऊपर भी कुछ मशरूम के पीसेस रख देते हैं। अभी मैंने पहले से एक बेकिंग ट्रे मैंने तैयार करके रखी है, उसके ऊपर मैंने बेकिंग पेपर रखा हुआ है। आप चाहें तो सूजी या फ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इसको एक प्री हीट ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक करने के लिए रख देंगे। इसके ऊपर हमें मेल्टेड बटर से ग्रीस कर देना है। मैंने इसे दो दो के सेट में बेक किए हैं। इसे एक बार बेक होने में 15 से 20 मिनट तक लग सकते हैं। फिर भी आप अपने ओवन में चेक करते रहें जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। देखिए ये कितने सुंदर से तैयार हो गए हैं और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप देखिए ये जितना ऊपर से अच्छे से सिका हुआ है
उतना ही ये नीचे से भी बिल्कुल प्रॉपर सिका हुआ है। आप देखिए ये कितना सुंदर बना हुआ है और ये कितना चीजी दिखाई दे रहा है।